Hi guys, welcome back to my channel again, and today I'm going to do this glamorous blue eyes. I don't know what I'm gonna call it, but it is a half cut crease blue eyes type of a look, and I hope you guys like this look because ye look aap kisi bhi party mein bana sakte ho, kyunki saree ke sath bhi ye look jayega aur kisi aise dress ke sath jo thoda sa boho type dress hai uske sath bhi ye look bahut apt jayega, kyunki lip bahut zyada nude hai aur eyes bahut zyada bold hai, so you can try it. Kyunki aaj kal log bahut zyada makeup karte hai, to be honest, कहीं पर जाना हो तो लोगों को मेकअप आर्टिस्ट लगते हैं. सो आई होप, इसलिए शायद आजकल यूट्यूब ट्यूटोरियल बहुत घटते जा रहा है और बहुत सारा अननेसेसरी वीडियो ही मैं कहूँगी, क्योंकि जिसको जिन जिनको मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया था मेकअप चैनल नाम के लिए, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल. सो आई डोंट गेट इट राइट. सो इसलिए मैं यूट्यूब से बहुत दूर दूर रहती हूँ. सो आई लाइक मोर ऑफ ओरिजिनल कॉन्टेंट. जो लोगों ने लोगों ने कहा था वो रखा हुआ है. ऐसे मैं बहुत कम चैनल को देखती हूँ, जैसे कि जेफरी स्टार, सोनी चंदा, या फिर कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने अपने कॉन्टेंट को ठीक से मेंटेन किया है. मैं सिर्फ उन लोगों को देखती हूँ, गिनी चुनी लोग हैं. मैं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो शुरू किया था मेकअप चैनल एंड समथिंग लाइक दैट ब्यूटी चैनल टाइप, और वो फैल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है. इतना फैल रहा है कि एक ही चैनल में डांसिंग, कॉमेडी, मेकअप, क्या नहीं, रेसिपीज और एवरीथिंग लाइक दैट. सो मुझे इसलिए यूट्यूब से दूर रहना पसंद है, क्योंकि लोगों को क्या कंटेंट पसंद आ रहा है और क्या मेरे दिमाग में नहीं बस रहा है, आई रियली डोंट नो. सो आई कांट रिलेट टू देम. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस लुक. इफ यू गाइज लाइक दिस, गाइस सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं अपने फेस को प्राइम करने वाली हूँ अपने शुगर के पोर फिलिंग प्राइमर के साथ, और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है. और फिर मैं अपने आईब्राउ को थोड़ा सा शेप कर लूँगी और इस पैक कंसीलर के साथ, और ये काफ़ी अच्छा एक थिक कंसीलर है जो कि आपके आईब्राउज को शेप करने में काफ़ी मदद करेगा. और इसमें एक थोड़ा सा आर्च लाने की मैं कोशिश करूँगी विद दिस कंसीलर इटसेल्फ, और मैं अपने आईलिड को भी इसी कंसीलर से प्राइम कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो. और मैं टीवी देखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, नॉट फॉर एनी रीज़न, कुछ खास हो रहा था इसलिए नहीं, थोड़ा सा झमेला हो रहा था टीवी में, और झमेला देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, नॉट सो मच एक्साइटेड, बट आई थिंक जो गेस्ट था वो उसको थोड़ा सा इंसल्ट कर रहा था जो होस्ट था वो, सो आई वॉज लाइक क्यों, ऐसा क्यों. और फिर मैं इसी आईलिड को इसको ब्लेंड करके फिर सेट कर लूँगी पाउडर के साथ. अब मैं लूँगी बैड हैबिट का एफ्रोडाइट पैलेट से ये पिंक कलर, और आप देख सकते हो ये पिंक कलर काफ़ी प्रिटी है, और मैं इस प्रिटी पिंक कलर को अपने आईलिड के ठीक ऊपर ब्लेंड कर लूँगी जस्ट लाइक दैट. और थोड़ा सा कलर लूँगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कलर एक ही बार में मैं ले लूँगी, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके कलर लूँगी और धीरे धीरे ब्लेंड करते रहूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो. और ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है, मतलब मैं जब क्लास कराती हूँ तब बहुत लोग ब्लेंडिंग ब्रश ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे आई में घुसेर देंगे, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रशेस के एकदम एंड को अच्छे से सर्कुलेट करना है ब्लेंडिंग करने के लिए, और बहुत हल्के से टच करनी है. ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा घुसाओगे तो ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मैं इस छोटे से प्रो आर्टी के ब्रश के साथ थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो. और फिर मैं एक बार फिर से जाइगेंटिक ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया, फिर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ जस्ट लाइक दैट. और एक डिज़ायरेबल ब्लेंडिंग जब हो जाएगा तो मैं छोड़ दूँगी उसको. अब थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं आउटर पार्ट के लिए, अपने आई के आउटर पार्ट में मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड को पुट करना चाहूँगी. और ये उतना भी डार्क नहीं हो रहा जो मुझे जितना डार्क चाहिए था, सो आई विल टेक अ फ्लफियर
पैटल ब्रश टाइप ऑफ अ थिंग, और मैं उससे थोड़ा सा और ब्राउन कलर डालूँगी अपने आँख के आउटर पार्ट में, जस्ट लाइक दैट। अब मैं जो कट क्रीज बनाई है उसके ऊपर देने वाली हूँ ये इन कलर कॉस्मेटिक्स का आइस्ड ब्लू, आइस्ड समथिंग लाइक दैट पिगमेंटेशन पिगमेंट सॉरी लूज पिगमेंट ब्लू कलर का, और इसको मैं अपने आईलिड पे, मतलब जो स्पेस मैंने छोड़ी है उस स्पेस में मैं एक ब्रश के मदद से फील कर दूँगी। हाँ, मैं यही बोलना चाहती थी और भूल गई। और हाँ, मैं धीरे धीरे फील करते रहूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है प्रोसेस, बट अगर आप कुछ अच्छा कुछ परफेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम आप देना चाहिए, आपको देना चाहिए चीज़ों के ऊपर। सो जस्ट लाइक दैट मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ, और फिर मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इट लुक्स अमेजिंग। और अब मैं लूँगी ये पिंकिश कलर, और मैं दोनों के मतलब वो ब्राउन कलर, मैट ब्राउन कलर और ब्लू कलर के बीच में जो गैपिंग था उससे मैं भर दिया हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी तो थोड़ा कलर सारे मिल जाएंगे और इट विल बी लुकिंग फाइन, लुकिंग नाइस। सो हाँ, यही था मेरे आई लुक। अभी मैं फेस पे फिर से जाऊंगी और थोड़ा सा कंसील कर लूँगी पैक के कंसीलर के साथ, मेरे जो स्पॉट्स है उसको थोड़ा सा ढकने वाली हूँ बस, और अब ब्लेंड करने वाली हूँ इस ब्रश के साथ मुझे ये ब्रश। और अभी मैं लूँगी हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन, इस फाउंडेशन का जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस सहम नहीं कर सकते तो इस फाउंडेशन को अवॉइड करें और किसी और फाउंडेशन ले लें, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत थिक है, बहुत फ्रेगरेंट वाला है, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो बहुत जल्दी मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का ये HD कंसीलर इन द शेड लाइट, और ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा एक हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह फील कराता है, और मुझे काफ़ी पसंद है इसका टेक्सचर। ये कंसीलर मैं बहुत दिन से यूज़ करी और एंड आई लव इट, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है लेकिन कवरेज थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि डल है, कि कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई जस्ट लव इट। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंसीलर से मुक्ति लेना चाहते हो आप, और कुछ किफ़ायती कंसीलर यूज़ करना चाहते हो, तो ये कंसीलर बहुत अच्छा है। तो अभी मैं शुगर के ये ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने फेस को सेट करने वाली हूँ। पहले मैं अंडर आई को सेट कर लूँगी, फिर मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी एक बड़े ब्रश के साथ, ये है मेरा बड़ा ब्रश, और अब मैं पूरा फेस को सेट करने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज कर लूँगी और कॉन्टोर कर लूँगी वेट एंड वाइल्ड के मेगा ग्लो कॉन्टोर पैलेट के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, ये हुआ ना बात कि नोज़ भी छोटा लगे, मुंह भी छोटा लगे, थोड़ा सा शेप में लगे, बस इसके लिए ही मैं कॉन्टोर करती हूँ, ब्रॉन्जिंग करती हूँ बस। सो हाँ, अभी मैं लूँगी ये ब्लेंडिंग ब्रश और थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी, और फिर मैं लूँगी शुगर का ये ब्राउ पेंसिल जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, इसका जो शेड है वो भी पसंद है, और इसका जो मतलब जो शेप है एक ट्रायंगुलर शेप है जो कि बहुत अच्छा है, ब्रश है मतलब एंगल शेप है, इसको ब्रश को ड्रॉ करने में बहुत मदद करता है। और आप जैसे देख सकते हो बहुत आसानी से मैं अपने ब्राउ को ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट लाइक इन अ सेकेंड, और मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्लेंड कर। और अब मैं ड्रॉ करने वाले अपने आईलाइनर को, जैसे कि आप देख सकते हो आईलाइनर करने के वक्त मैं थोड़ा सा बात कम करती हूँ, हाँ बात मैं कम करती हूँ और काम ज़्यादा करती हूँ आईलाइनर के वक्त, जैसे कि आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे आईलाइनर ले रही हूँ और ड्रॉ कर रही हूँ। और ये ब्रश है 000 ब्रश, या फिर वेगा का बिंदी ब्रश भी आप ले सकते हो फॉर अ परफेक्ट आईलाइनर।
मैं लूँगी रिमेल का ये ब्लू कलर काजल, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है और मुझे रिमेल के काजल्स बहुत पसंद है, आई वॉन्ट टू से दैट। सो हाँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी वो लूज पिगमेंट के साथ, क्योंकि ये स्मच करोगे तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। सो या gonna use a mascara. This is my favorite mascara. This is the Maybelline Hypercurl mascara. Or अब दिस इज़ द हाईलाइटर टाइम, जो कि मेरे फेस को ब्लाइंडिंग दिखाने वाला है, जेफ्री स्टार का हाईलाइटर। और ये हाईलाइटर बहुत अच्छा है ना, जस्ट लव इट। और अब मैं यूज़ करूँगी निक्स का ये लिप लॉन्जरी। आई रियली डोंट नो द शेड, तो मैं नीचे ज़रूर डाल दूँगी और लिंक भी डाल दूँगी। अगर आपको ये कलर पसंद आते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। And if you guys like this look, don't forget to give me a big thumbs up and subscribe to my channel for more fun videos. And I hope to see you again, guys, next time. और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे हो। So yeah, bye.